क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम दक्षिणा काली के क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम स्वाहा माँ दक्षिणा काली के नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे, ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, आखिरी तक देखते रहें, जो कि विषय है गुरु मंत्र की महिमा। संसार में लाखों करोड़ों मंत्र है, उन मंत्र में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र कहा गया है। जब शिष्य गुरु मंत्र का अजपा जप करता है, अजपा जप का तात्पर्य यह है कि वो गणना नहीं करता, उठते बैठते खाते चलते कार्य करते निरंतर उसके होंठ गुरु मंत्र जपते रहते हैं, इसका लेखा जोखा नहीं रखता, प्रतिक्षण गुरु मंत्र का जाप ही करता रहता है, अन्य मंत्र को तरफ ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि गुरु मंत्र के समान अन्य मंत्र उसी समान होते हैं जैसे हिमालय के सामने कंकर, जिस प्रकार समुद्र के सामने एक बूंद, इसीलिए उस महामंत्र को जो प्रतिक्षण जपता रहता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, फिर उससे अन्य मंत्रों की आवश्यकता भी नहीं रहती। समस्त सिद्धियाँ उसका वर्णन करने के लिए स्वतः व्याघ्र हो उठते हैं, उसके पास दौड़े आते हैं। जो शिष्य इस कलयुग में अपने परिवार के बोझ से दबा हुआ हो, चारों तरफ आलोचनाओं को झेलता हुआ हो, गुरु आज्ञा पालन में तत्पर्य रहता है और उसकी आज्ञा का पालन कर प्रसन्नता अनुभव करता है, वही सही अर्थ में शिष्य है, वही अपने जीवन में श्रेय और प्रेय दोनों को प्राप्त करता है। ऐसा शिष्य ही अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों अनुभव कर पाता है, ऐसा ही शिष्य सही शिष्य कहला सकता है और ऐसा ही शिष्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी को जान सकता है, जिसके हृदय में गुरु पूर्ण रूप से स्थापित होते हैं। और गुरु स्थापना तब संभव होता है जब पूर्ण रूप से शिष्य प्रतिक्षण गुरु सेवा में व्यतीत होता है और वह गुरु के लिए सर्वस्व समर्पण के लिए तत्पर रहता है, ऐसा ही शिष्य धन भाग कहलाता है। वास्तव में गुरु मंत्र तो कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है। गुरु मंत्र का निरंतर जाप करने वाला साधक हो या शिष्य हो, वो देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ बन जाता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी कोई न्यूनता नहीं रहता, ये निश्चित है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने के साथ साथ उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं और वह मोक्ष और सिद्धाश्रम प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो ये थे आज छोटा जानकारी, एक संक्षिप्त चर्चा गुरु मंत्र की महिमा के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमें मार्गदर्शन करवा देंगे, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमें ईमेल करें कोई भी संदेह होने पर। आज के लिए इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम हम दक्षिणा काली के क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम हम स्वाहा माँ दक्षिणा काली के नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव।